धागा से एक उम्मीद, एक नए भविष्य की तस्वीर खींचती है। तो अगर आप देखें उत्तर प्रदेश और इन जगहों से कामगार हैं वो पश्चिम में जाते हैं, अब चूंकि परिस्थितियां बदली तो वापस लौटे लौटे हैं, उनके लिए आपके पास एक स्कीम देखा, इतना पर्याप्त नहीं है कि इतनी भारी संख्या में लोगों को। दूसरा यह है कि मनरेगा में आपको 100 दिन का रोजगार मिलता है, सबसे अहम बात है काफी संख्या में कामगार ऐसे हैं जो किसी न किसी काम में दक्ष हैं, उनकी कुशलता है, तो क्यों ना स्थानीय स्तर पर रोजगार के मौके पैदा किए जाए और उनको वहां पर एब्जॉर्ब किया जाए। देखिए हम हमेशा कहते हैं ना कि जब कभी भी परिस्थितियां बनती है तो उसमें एक अवसर है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों के लिए हमेशा से ये शिकायत है कि वहां पर उद्योग पर्याप्त संख्या में नहीं पनपे हैं, जिसकी वजह से लोगों को पलायन करना पड़ता है। क्या इसे हम रोक सकते हैं? ये जो व्यवस्था की गई है जिसको हम लोग स्किल मैपिंग या लेबर मैपिंग के नाम का नाम दे रहे हैं, उससे कम से कम ये होगा कि पलायन रुकेगा और अपने स्तर पर स्थानीय स्तर पर अगर रोजगार के ज्यादा मौके मिलते हैं शिशिर, हम एक कहावत है ब्लेसिंग इन डिसगाइज, जब हम न्यू इंडिया की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, ऐसे में क्या कभी हमें लगा था कि जो तमाम ऐसे असंगठित क्षेत्रों के मजदूर हैं, जब वो अपने राज्यों को छोड़कर किसी और राज्य में जाते हैं काम की तलाश में, कभी इस तरह का संकट आएगा कि एक तरह से उनकी जिंदगी पूरी तरह पलट जाएगी, उनका रोजगार उनके हाथ में नहीं रहेगा, या फिर उन राज्य सरकारों की असंवेदनशीलता भी दिखाई देगी जहां वो काम कर रहे थे जब उन्हें उन शहरों को छोड़ के निकलना पड़ा है? ऐसे में जिस तरह की जिम्मेदारी अब उत्तर प्रदेश सरकार ने इस समय उठाई है, चाहे वो स्किल मैपिंग की हो या फिर आने वाले समय में तमाम वो एक तरह से क्षेत्र पैदा करने जो स्किल्ड सेमी स्किल्ड मजदूरों के लिए भी, कामगारों के लिए भी हो, क्या आपको लगता है इसने एक मौका भी दिया भारत में भारतीय अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने का भी इस लिहाज से? मजदूरों को मिलेगा रोजगार, यूपी सरकार ने उद्योग संगठनों के साथ किया है समझौता, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल CII, फिक्की, लघु भारतीय उद्योग का यूपी सरकार के साथ हुआ है समझौता, करीब 11 लाख प्रवासी मजदूरों को रोजगार देगी यूपी सरकार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया मिशन हर हाथ को काम, हर घर में रोजगार। एमएसएमई सेक्टर में रोजगार के मिलेंगे लाखों अवसर। अकुशल मजदूरों की ट्रेनिंग की भी होगी व्यवस्था। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन देगी 3 लाख कामगारों को रोजगार। फिक्की देगी 3 लाख श्रमिकों को रोजगार। लघु भारतीय उद्योग देगी 2 लाख कामगारों को रोजगार। रियल एस्टेट संस्थानों में मिलेंगे तकरीबन 2.50 लाख श्रमिकों को रोजगार। तो इस तरह से यूपी सरकार ने प्रवासी मजदूरों का बनाया है स्किल मैपिंग डेटा, जिसका फायदा तमाम वापस लौटे प्रवासी मजदूरों को मिले। पूरा रोड मैप आज योगी आदित्यनाथ ने सबके सामने रखा है, ये एक धादस, एक उम्मीद, एक नए भविष्य की तस्वीर खींचती है। तो अगर आप देखें उत्तर प्रदेश और इन जगहों से कामगार हैं वो पश्चिम में जाते हैं, अब चूंकि परिस्थितियां बदली तो वापस लौटे हैं, उनके लिए आपके पास एक स्कीम देगा, इतना पर्याप्त नहीं है कि इतनी भारी संख्या में लोगों को। दूसरा यह है कि मनरेगा में आपको 100 दिन का रोजगार मिलता है, सबसे अहम बात है काफी संख्या में कामगार ऐसे हैं जो किसी न किसी काम में दक्ष हैं, उनकी कुशलता है,
तो क्यों ना स्थानीय स्तर पर रोजगार के मौके पैदा किए जाए और उनको वहां पर एब्जॉर्ब किया जाए। देखिए हम हमेशा कहते हैं ना कि जब कभी भी परिस्थितियां बनती है तो उसमें एक अवसर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों के लिए हमेशा से ये शिकायत है कि वहां पर उद्योग पर्याप्त संख्या में नहीं पनपे हैं जिसकी वजह से लोगों को पलायन करना पड़ता है। क्या इसे हम रोक सकते हैं? ये जो व्यवस्था की गई है जिसको हम लोग स्किल मैपिंग या लेबर मैपिंग के नाम का नाम दे रहे हैं, उससे कम से कम ये होगा कि पलायन रुकेगा और अपने स्तर पर स्थानीय स्तर पर अगर रोजगार के ज्यादा मौके मिलते हैं शिशिर, हम एक कहावत है ब्लेसिंग इन डिसगाइज, जब हम न्यू इंडिया की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, ऐसे में क्या कभी हमें लगा था कि जो तमाम ऐसे असंगठित क्षेत्रों के मजदूर हैं जब वो अपने राज्यों को छोड़कर किसी और राज्य में जाते हैं काम की तलाश में, कभी इस तरह का संकट आएगा कि एक तरह से उनकी जिंदगी पूरी तरह पलट जाएगी, उनका रोजगार उनके हाथ में नहीं रहेगा, या फिर उन राज्य सरकारों की असंवेदनशीलता भी दिखाई देगी जहां वो काम कर रहे थे जब उन्हें उन शहरों को छोड़ के निकलना पड़ा है? ऐसे में जिस तरह की जिम्मेदारी अब उत्तर प्रदेश सरकार ने इस समय उठाई है, चाहे वो स्किल मैपिंग की हो या फिर आने वाले समय में तमाम वो एक तरह से क्षेत्र पैदा करने जो स्किल्ड सेमी स्किल्ड मजदूरों के लिए भी, कामगारों के लिए भी हो, क्या आपको लगता है इसने एक मौका भी दिया भारत में भारतीय अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने का भी इस लिहाज से? लोगों को पहुंचाया, हर राज्य की मांग के अनुसार उपलब्ध कराई ट्रेनें, हर राज्य की ट्रेन की मांग को किया जा रहा है पूरा। 80% ट्रेनें यूपी और बिहार के लिए चलाई गई, जरूरत ना हो तो श्रमिक यात्रा न करें, रेलवे राज्यों के साथ मिलकर कर रहा खाने पीने का इंतजाम, राज्यों के साथ बेहतर समन्वय से हो रहा काम, इतने बड़े ऑपरेशन में कुछ व्यवहारिक दिक्कतें आई। रेलवे बोर्ड का कहना है कि सिर्फ 20 मई से 24 मई के बीच कुछ ट्रेनें हुई डायवर्ट, सिर्फ 71 ट्रेनें हुई डायवर्ट कुल ट्रेनों का, जो कि 2% से भी कम है। रेलवे के 12 लाख कर्मचारी दिन रात कर रहे हैं काम, यानी कि इस पूरी एक्सरसाइज को अंजाम देने के लिए लगातार रेलवे कर्मचारी काम कर रहे हैं। सिर्फ 4 ट्रेनों ने 72 घंटों से ज्यादा लिया समय, 3,500 से ज्यादा ट्रेनें औसत रफ्तार से तेज गति से चली हैं। रोगी, गर्भवती महिलाएं, 10 साल के छोटे बच्चे, बुजुर्ग जरूरी होने पर ही करें यात्रा, ये भी रेलवे बोर्ड ने कहा है। ट्रेन भटकने की खबर पूरी तरह से गलत है, रेलवे बोर्ड ने इसे पूरी तरह से खारिज करा। यात्री की मृत्यु की खबर दुखद, लेकिन गलत आधार पर न करें रिपोर्टिंग। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का 85% खर्चा केंद्र वहन कर रहा है, श्रमिकों को नहीं देने होते हैं कोई रेल किराया। रेल में डॉक्टर्स का भी किया गया है इंतजाम,